टीसीएस इंश्योर्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में कृषि खाद्य प्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की रिपोर्ट में भारत की कृषि खाद्य प्रणाली पर 13 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक बोझ बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह बोझ मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहारों के कारण उत्पन्न हो रहा है। यह समस्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गंभीर बनती जा रही है। चलिए अब देखते हैं भारत की कृषि खाद्य प्रणाली और इसके प्रभाव के बारे में। FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि खाद्य प्रणाली पर होने वाले खर्च का अधिकांश हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहारों से जुड़ा हुआ है। अस्वास्थ्यकर आहारों में अधिक शुगर, नमक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके कारण मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों में वृद्धि हो रही है, जो स्वास्थ्य पर दबाव बना रहे हैं। अस्वास्थ्यकर आहार और कृषि खाद्य प्रणाली के बीच इस संबंध का समाधान तलाशना आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं भारत के कृषि खाद्य प्रणाली के प्रमुख मुद्दे। अस्वास्थ्यकर आहारों का प्रभाव। अस्वास्थ्यकर आहारों का आदान प्रदान, जिसमें अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं, स्वास्थ्य पर बड़े पैमाने पर बोझ डाल रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। कृषि खाद्य प्रणालियां जलवायु परिवर्तन में योगदान कर रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। आर्थिक बोझ। भारत की कृषि खाद्य प्रणाली पर होने वाला आर्थिक बोझ, खासकर अस्वास्थ्यकर आहारों के कारण स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक खर्चों को बढ़ा रहा है। कृषि खाद्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना, आहार में सुधार और स्वस्थ खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देना जरूरी है। स्थिर कृषि प्रथाएं। पर्यावरणीय रूप से स्थिर और प्रभावी कृषि प्रथाओं को अपनाना चाहिए। सरकारी नीति सुधार। सरकार को कृषि खाद्य प्रणाली को सुधारने के लिए नीतियां लागू करने की आवश्यकता है, ताकि समाज पर आहारों का सकारात्मक प्रभाव पड़े। चलिए अब जानते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो भूखमरी पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सहित 194 सदस्य देशों एवं यूरोपीय संघ के साथ FAO विश्व भर में 130 से अधिक देशों में कार्य करता है। यह रोम, इटली स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत की कृषि खाद्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि खाद्य प्रणाली पर आर्थिक बोझ का बड़ा कारण अस्वास्थ्यकर आहार है। दो, अस्वास्थ्यकर आहारों में शुगर, नमक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।